जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और अब मैं लेके आ रहा हूँ पनवेल महानगर पालिका की जो 27/5/2020 की जो रिपोर्ट है वो। जी हाँ, तो आज तक जो पूरी तरह से अच्छे हुए रुग्ण हैं वो हैं 0252, विद्यमान एकुण रुग्ण जो है वो है 0148, और आज के जो रुग्ण है वो है 0018, यानी कि आज 18 रुग्ण मिले हैं नए रुग्ण। जी हाँ, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आज 18 लोग अच्छे भी हुए हैं पनवेल महानगर पालिका में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 से मृत्यु जिनकी हुई है वो है 19 अब तक। जपासनी निकाल जिनका बाकी है वो 59 है, और कोविड-19 चाचीड़ी होने के बाद नागरिकों की संख्या 2426 है। जी हाँ, अब हम देखते हैं कि आज के 18 रुग्ण जो मिले हैं वो कैसे हैं। तो कामोटे सेक्टर 35 में रिद्धि सिद्धि सोसाइटी में एक ही कुटुंब के दो व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं, और ये कुटुंब एक महिला जो थी मुंबई में एक हॉस्पिटल में नर्स बोल के काम करती थी, तो वहीं से कोविड संसर्ग हुआ हुआ ऐसा निष्कर्ष आया है। खारगढ़ सेक्टर 21 में एकलव्य सोसाइटी में 58 वर्षीय एक महिला कोविड-19 पॉजिटिव आई है, और ये महिला का जो बेटा था वो इसके पहले कोविड-19 पॉजिटिव आ चुका है। जी हाँ, तो उसी से इस महिला को संसर्ग हुआ ऐसा अंतिम निष्कर्ष है। नवीन पनवेल में यदि देखें तो सेक्टर 13 जनता मार्केट में 28 वर्षीय एक व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आया है, और इस व्यक्ति ये व्यक्ति जो मुकुंद सिंह कड़वा थाने में एक क्रेन ऑपरेटर बोल के काम करता था, वहीं से काम के ठिकाने से ही इसको जो है वो संसर्ग हुआ ऐसा प्राथमिक निष्कर्ष निकला है। जी हाँ, जो मैं निष्कर्ष बता रहा हूँ ये सारे प्राथमिक हैं। कड़म्बोली सेक्टर 1E ओम सिद्धि विनायक सोसाइटी में 57 वर्षीय एक व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आया है, और ये व्यक्ति जो है वो प्रतीक्षा नगर डेपो मुंबई में बेस्ट में जो है वो ड्राइवर बोल के काम करता था, और इसको काम की ही जगह से संसर्ग हुआ है। आगे बढ़ते हैं आपके लिए। खांदा कॉलोनी सेक्टर 9 में अमरदीप सोसाइटी में 34 वर्षीय एक महिला कोविड-19 पॉजिटिव आई है। ये महिला जेजे हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स बोल के काम करती थी, तो जाहिर सी बात है जो नर्स हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस हैं, ये सब रिस्क फैक्टर में आते हैं। पाले खुर्द ब्रह्माड़ी में 35 वर्षीय एक व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आया है। ये व्यक्ति भी गंधार ऑयल मिल तड़ोजा में काम पे था, तो काम की जगह से इसको जो है वो संसर्ग हुआ है। ज्यादा करके आप देखेंगे तो लोगों को काम की जगह से संसर्ग हो रहा है। नवीन पनवेल सेक्टर 14 में अमृतवेल अपार्टमेंट में एक 8 वर्षीय एक मुलगा कोविड-19 पॉजिटिव आया है। ये इस बच्चे के जो कुटुंब में दो व्यक्ति पहले ही कोविड-19 पॉजिटिव आ चुके थे, तो वहीं से इस बच्चे को संसर्ग हुआ है। कड़म्बोली सेक्टर 13 साई सदन सोसाइटी में 42 वर्षीय एक व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आया है, और ये व्यक्ति क्वालिटी कंट्रोल लैब नेरुल में लैब असिस्टेंट करके काम करते थे, काम की जगह से ही इनको संसर्ग हुआ है। कामोठे में सेक्टर 9 में अनिरुद्ध अपार्टमेंट में 50 वर्षीय एक व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आया है, और ये व्यक्ति ट्रांबे पुलिस स्टेशन मानखुर्द में पुलिस कर्मचारी बोल के कार्यरत था। देखिए, मैंने आपको कहा पुलिस, डॉक्टर्स, नर्स, ये सब जो है वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, और ये हमेशा जो है वो रिस्क फैक्टर में आते रहते हैं। कमोठे में ये हॉस्पिटल नर्स बोल के काम करने वाली 24 वर्षीय एक महिला कोविड-19 पॉजिटिव आई है, और ये महिला जो है इसको भी संसर्ग उसी तरह से हुआ है हॉस्पिटल से। खारगढ़ सेक्टर 8 में शांति निकेतन सोसाइटी में 45 वर्षीय एक व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आया है, और ये व्यक्ति अजय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रसायनी में जो है वो कार्यरत था, और काम के ठिकाने से इसको जो है संसर्ग हुआ है। रसायनी, याद रखिएगा, किसी ने कमेंट किया था कि रसायनी की भी न्यूज दिखाइए। खारगढ़ सेक्टर 8 में शांति निकेतन सोसाइटी में 45 वर्षीय एक व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आया है, और ये व्यक्ति जो है वो अजय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये मैं आपको बता चुका हूं। कामोठे सेक्टर 6 में श्रीजी अपार्टमेंट में 29 वर्षीय एक व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आया है। जी हाँ, खारगढ़ सेक्टर 8 में शांति निकेतन सोसाइटी में 51 वर्षीय एक व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आया है, और ये व्यक्ति टाटा पावर कंपनी चेंबूर
में कार्यरत है, तो काम के ठिकाने से इसको जो है वो संसर्ग हुआ है। न्यू पनवेल में सेक्टर 13 ए टाइप चार नंबर 62 में एक ही घर के दो व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं, और इसी कुटुंब में पहले भी एक व्यक्ति पॉजिटिव आ चुका था, तो उसी से इनको संसर्ग हुआ है। अब चलते हैं कामोटे सेक्टर 21 साई प्राइड सोसाइटी में एक 10 वर्षीय एक बच्चा जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव आया है, और इस कुटुंब में दो व्यक्ति पहले ही कोविड-19 पॉजिटिव आ चुके थे, तो डेफिनेट बात है कि वो वहीं से संसर्ग हुआ है। कांदा कॉलोनी सेक्टर 15 में सूर्य प्रकाश सोसाइटी में 31 वर्षीय एक व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आया है, और ये व्यक्ति पुलिस विभाग में पुलिस कर्मचारी करके कार्यरत था, यानी मुंबई पुलिस में, तो काम के ठिकाने से इसको जो है संसर्ग हुआ है। अब खारघर में जो एक मृत्यु हुई है वो किडनी फेल होने की वजह से हुई है, यानी उनकी इनकी किडनी फेल हो गई। सेक्टर 15 घरकुल एथिल 50 वर्षीय एक महिला कोविड-19 पॉजिटिव आई थी, और उनका आज जो है किडनी विकार से जो है वो 26 तारीख को के दिन निधन हो गया, यानी कल। ठीक है, तो आज के जो 18 रुग्ण अच्छे हुए हैं वो है नवीन पनवेल में से 9 व्यक्ति पूरी तरह से अच्छे हुए हैं और आज उन्हें घर घर छोड़ने को मिला है। कामोठे में 4 व्यक्ति पूरी तरह से अच्छे हुए हैं और आज वो घर वापस गए हैं। खारघर में भी 4 व्यक्ति पूरी तरह से अच्छे हुए हैं और आज वो घर वापस गए हैं। कलमबोली में भी 1 व्यक्ति पूरी तरह से अच्छा हुआ, उसको भी घर भेजा गया है। तो इस तरह से 18 नए रुग्ण इधर बड़े और इधर 18 नए रुग्ण कम हुए हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पनवेल महानगर पालिका जो है वो एक अच्छा काम कर रही है। नोड वाइज यदि मैं बताना चाहूं तो मैं आपको ये चार्ट भी डाल दूंगा, लेकिन कड़मबोली में विद्यमान रुग्ण 3 है, पूर्ण भरे झालेले 36 है, और मृत्यु जिनकी भी वो 4 है। एकूण रुग्ण 063 है, 57.14 इसकी जो है वो परसेंटेज आ रही है। कामोठे में 57 विद्वान रुग्ण, पूर्ण भरे झालेले 57, मृत्यु जिनकी हो गई है वो है 8, और इस तरह से इसकी जो परसेंटेज जा रही है वो 60.12 जा रही है। खारघर में 32 लोग अब विद्वान रुग्ण है, 57 लोग अच्छे हुए हैं, 03 की मृत्यु हुई है, 3 लोग मरे हैं, और टोटल रुग्ण की खारघर में जो संख्या है वो 092 है, यानी कि 61.96% इसका कैलकुलेशन जा रहा है। नवीन पनवेल में 27 लोग प्रेजेंट में रुग्ण है, 39 लोग पूरी तरह से अच्छे हो चुके हैं, मृत्यु जिनकी हुई वो 2 है, और टोटल रुग्ण जो है वो 68 है, और 57.35 इसकी जो है वो परसेंटेज जा रही है। पनवेल में 09 है, 18 है पूरी तरह से अच्छे हुए, 9 विद्वान रुग्ण हैं, और मृत्यु किसी की नहीं हुई है, और एकुण जो है वो 27 है, और परसेंटेज 66.67। और तड़ोजा में विद्वान कोई भी नहीं है, पूर्ण अच्छे हो गए 4 हैं, और मृत्यु जिनकी हुई वो 2 हैं, और एकुण जो है वो रुग्ण 6 मिले, तो परसेंटेज जा रहा है 66.67। और टोटल यदि हम देखें तो 148 एकूण विद्वान रुग्ण आ रहा है, पूर्ण भरे झालेले 252, मृत्यु हुई है वो 19 है, और एकूण रुग्ण जो है वो 419 है। तो इस तरह से रुग्ण जो अच्छे हुए हैं उसका परसेंटेज जा रहा है 60.14। तो ये थे आज के समाचार, हमसे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो ये है परसेंटेज वाइज चार्ट पनवेल महानगर पालिका का, आप देख सकते हैं। जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी, और यदि आपको पत्रकारिता चाहिए, चाटुकारिता नहीं चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का लाल बटन दबाइए और घंटी का बेल ऑन कीजिए।